चलें अब शुरू करते हैं दोस्तों, एरिया ऑफ फ्रस्टम। सबसे पहले जब मैं आपको बोल रहा हूं फ्रस्टम के बारे में, तो सर फ्रस्टम शेप कैसा होता है? फ्रस्टम अगर अपन बात करें, आपकी 10.4 से रिलेटेड टॉपिक है, तो फ्रस्टम शेप कैसा होता है? जब एक कोन को बीच में से या आधे हिस्से में से काट दिया जाए, जरूरी नहीं है बीच में से, एक कोन को कहीं से भी काट दिया जाए, तो उसका वो क्या रहता है? फ्रस्टम। मतलब अगर मैं तुमको बोलूं इस कोन के ऊपर के हिस्से को कट कर दिया यहां से, तो जो तेरे पास ये नीचे बच गया ना, नीचे अगर अपन बात करें तो वो तेरे पास बच गया फ्रस्टम, जहां पे ये R1 होता है, ये तेरे पास R2 होता है, ये तेरे पास H होता है, और तेरे पास क्या होता है? L। तो सर अगर आप सिस्टमेटिक बताना चाहते हो तो फ्रस्टम कैसा होता है अगर अपन बात करें, तो फ्रस्टम मतलब जो तुम कभी कभी अपनी पुरानी बाल्टियां देखोगे तो ऐसी होती हैं, मतलब या तो ऊपर की तरफ मुंह होता है या तो नीचे की तरफ मुंह होता है, या कुछ आप किचन के पॉट्स देखोगे तो ऐसे के ऐसे रहते हैं, तो वो क्या होता है? फ्रस्ट। वो क्या रहता है? फ्रस्ट। तो सर ये होता है फ्रस्ट, मैंने बोला ठीक है। अगर मैं बात करूं अच्छे से और आराम से, ये मेरे पास R1 हो गया, ये मेरे पास R2 हो गया, और कहीं ना कहीं ये मेरे पास क्या हो गया दोस्तों? हाइट। अब इस फ्रस्टम का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? इस तरह होती है स्लांट, ठीक है। अब अगर मैं तुमको बोलूं, क्योंकि इसमें दो आर होते हैं, तो यू शुड नो व्हाट इज एल का स्क्वायर, मतलब स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। तो मेरे दोस्त स्लांट हाइट का फॉर्मूला देख ले, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। पहली चीज तो तेरे जानने की है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं द सेकंड थिंग दैट यू शुड नो इज, अगर अपन अच्छे से बात करें तो इसका वॉल्यूम कितना होता है? अगर इसका आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आपके पास हो जाएगा दोस्तों पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 इनटू H, पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 इनटू H। तो ठीक है सर, अगर हम आपसे इसी का सरफेस एरिया पूछें, सी एस ए, तो मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ, सी एस ए वुड बी 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू कितना? H। 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू तुम्हारे पास कितना? H, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? अगर जैसे बात इंटू L, H नहीं, L, क्योंकि क्या है ये कोन का पार्ट है, कोन के लिए क्या रहता है? L, ठीक है। और सर इसी का अगर आप हमको TAC भी दे दो तो मुझे बताओ इसके ऊपर कितने ढक्कन है? सर एक ऊपर का ढक्कन है, एक नीचे का ढक्कन है। इन शॉर्ट अगर कोई मुझसे पूछे सर इसका TSA कैसे आएगा, मैं तो बोलूंगा देख पहले CSA ऐड कर दे। CSA का मतलब क्या? साइड साइड वाला पार्ट, ये साइड 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 साइड, ये साइड 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 साइड, ये सब CSA होता है सर। CSA को कभी भी TSA बनाना हो तो उसके ऊपर ढक्कन से ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? ढक्कन। अब सर ढक्कन का मतलब क्या है और लॉजिक क्या है? तो CSA से अगर दोस्तों TSA पे आना है तो डेट वुड बी 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू L, ये तो साइड का हो गया, प्लस एक ऊपर का ढक्कन मतलब पाए R1 का स्क्वायर प्लस एक नीचे का ढक्कन पाए R2 का स्क्वायर, क्योंकि सर्कल शेप के ढक्कन होते ना दोस्तों। तो सर ठीक है, मजा ही है इन बातों का, मैंने बोला हाँ मजा तो है दोस्तों अगर अच्छे से बात करें। इन शॉर्ट 2 पाए R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाए R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। नाउ दिस आर दी फॉर्मूला फॉर व्हाट? फ्रस्टम, जिससे हमारी आने वाली पूरी एक्सरसाइज चलेगी। सर क्या बात कर रहे हो, मतलब हाँ बातें तो खैर करते रहते हैं अपन, तो लॉजिक क्या है आपके पास कि आप इन सब का अच्छे से अगर फॉर्मूला बेस के लेवल पे स्क्रीनशॉट ले लोगे तो सर कहीं ना कहीं अपन 10.4 अच्छे से कर पाएंगे। और सर लॉजिक क्या है उसके बाद? मैंने बोला कुछ नहीं, अगर फॉर्मूले आते हैं तो सर फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। सर ठीक है स्टार्ट करते हैं अपन, फॉर्मूले के लिए मैंने फोटो भेज दिया आपको, तो स्टार्ट करते हैं अपन 13.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से।
A drinking glass is in the shape of a frustum of cone of height 14 centimeter. Diameter of its two ends is 44 and 2. मतलब कभी कभी आपने पानी के ग्लास देखे होंगे आपके घर में, इस प्रकार के पानी के ग्लास होना भी बहुत कॉमन बात है. क्या बोलते हो? ये होते हैं पानी के ग्लास. तो सर आपको बोल के रखा है कि जो इसका डायमीटर है, डायमीटर वन है कितना, फोर, मतलब ऑब्वियसली बात है रेडियस कितना हो जाएगा, टू. और डायमीटर जो दूसरा है वो कितना है, टू. इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, वन. ठीक है ना. नाउ दिस इज आर वन, दिस इज आर टू. हाइट कितनी देखे रखी है इसकी, बताओ जरा. तो सर इसकी हम हाइट देखे तो ये टू है, ये वन है, और हाइट आपको देखे रखी है फोर. तो फर्स्ट स्टेप क्या बोलेंगे, देख अगर उन्होंने आपसे पूछा है क्या कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, तो सर कैपेसिटी का मतलब ही क्या होता है दोस्त, वॉल्यूम. कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम. और अगर अपन वॉल्यूम निकालें, कैपेसिटी के साथ वॉल्यूम निकालें, तो पाए आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर प्लस आर वन आर टू इंटू कितना एच. तो डेट वुड बी 22/7 इंटू टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू वन इंटू कितना एच. टू इंटू वन इंटू कितना एच. तो ये वन जा और दोस्त ये टू जा. तो इसके बाद क्या बच गई, इसके बाद तो अपनी कैलकुलेशन बची, उसके लिए इतनी टेंशन करने की जरूरत नहीं है. स्टिल इफ यू वॉन्ट द कैलकुलेशन, तो 22 इंटू टू तो हो ही चुका था यहाँ पे, तो इसको इधर ले लो टू को, और ब्रैकेट में कितना रहा, फोर प्लस वन प्लस टू, मतलब कितना कहीं ना कहीं सेवन शायद, हाँ कि ना. तो अगर अपन बात करें तो 22 इंटू सेवन इज 154 इंटू टू दैट इज इक्वल टू कितना 308. सर क्या कैलकुलेशन पे वर्क करना है क्या? नहीं नहीं, कैलकुलेशन आप कर लोगे, आपको मेन ये देखना है क्या कंसेप्ट समझ में आया क्या. मेन इंपॉर्टेंट बात तो ये है सर, आपने करा क्या, आपने कोई ऐसी कोई बड़ी चीज थोड़ी करी, आपने सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया. मैंने बोला हाँ, मैंने सिर्फ एक फॉर्मूले को ढंग से लगाने का प्रयास किया है, ठीक है ना. तो क्या सर सरफेस एरिया सिर्फ फॉर्मूला समझ के फॉर्मूला लगाना है? मैंने बोला हाँ यार दोस्तों, सरफेस एरिया का अर्थात फॉर्मूला समझ के फॉर्मूला लगाना है. सर क्या इसका भी फोटो भेज दिया गया है? हाँ, अपन चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर टू को. सर क्वेश्चन नंबर टू क्या बोलता है अगर अपन बात करें तो यार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू सर ये फ्रस्टम वाला पार्ट डिलीटेड है. अच्छा, तो और बेस्ट पार्ट है. अगर बच्चों का फ्रस्टम वाला पार्ट डिलीटेड है तो और ही अच्छी बात होगी ना.